नमस्कार, आप जोई रहा छो न्यूजर थ्री। आपनी साथे हूँ झरणा। नोएडा में सेक्टर 93A में विवादित सुपरटेक ट्वीन टावर आज ध्वस्त करायो। 30 माड़नी विशाल इमारत आज आखरे ध्वस्त करवामां आवी। यूपी अपार्टमेंट ओनर्स एक्ट नु उल्लंघन करी आ इमारत बनावाई होवानो दाव करायो छे। नियम मुजब बे टावर वच्चे 16 मीटर अंतर होवुं जरूरी छे, ज्यारे के आ बे इमारतो वच्चे 9 मीटर अंतर रखायुं छे। 200 करोड़ खर्चे आ ट्वीन टावर बनावाया था। 102 मीटर की आ इमारत 350 किलोग्राम विस्फोटक उपयोग कर तोड़ावाई है। टावर तोड़ाता हजारों टन काटमाळ भेगो थशे। टावर ध्वस्त कराता 10 किलोमीटर सुधी ध्वनि प्रदूषण थवानी शक्यताओ सेवाई थी। टावर तोड़ाता 500 मीटर सुधीना विस्तार में असर वर्तावानो अंदाज करायो हतो। तकेदारी भाग रूपे सवारथी ज वीजळी और गैस कनेक्शन संपूर्ण बंद कर देवाया छे। विस्फोटकों मुकवानी प्रक्रिया 22 ऑगस्ट पूर्ण थई हती। विस्फोट ने कारण कंपन घटाड़वा माटे खाई पण ही खोदवामां आवी छे। तो आजूबाजू कादवना ढगला करवामां आव्या छे। तो 30 माळनी आ इमारत के जेने कहेवाय छे ट्वीन टावर, जे गगनचुंबी इमारत, जाने के पत्ताना महलनी जेम एकाएक कड़रभूस थई गई। जे प्रकारनी तस्वीरो सामे आवी छे, जेने जोईने अंदाजो लगावी शकाय के आसपास ध्वनि प्रदूषण साथे ज वायु प्रदूषण पण खूब ज मोटा प्रमाण में फैलायुं हशे। विस्फोटकों उपयोग करवामां आव्यो हतो अने त्यारबाद मात्र 9 सेकंड एटले के गणतरीनी सेकंडो में आखी इमारत जे छे ते ध्वस्त करी देवाई छे। आसपासना विस्तारों में तेने लईने कोई नुकसान न पहोंचे ते माटे पण खास तकेदारी राखवामां आवी हती। वो असेसमेंट कर रहे हैं, हम लोग भी अब उधर ही जा रहे हैं। उनका असेसमेंट के बाद जो है आपको फिर अपडेट देंगे। क्या डेब्रिस सर अंदर तक घुसी है क्या? जो ये एक्सपर्ट जो मौके पर हैं वही बता पाएंगे। अभी यहाँ से जो अभी तक पता चला है कि लार्जली इट इज एज पर द प्लान। सर आज ये सक्सेसफुल हो गया क्या? आगे भी ऐसे ही डिमोलाइज किया जाएगा? जो भी भ्रष्ट माफिया होंगे या ऐसे अधिकारी This is a hypothetical question. जेट डिमोलिशन CBRI की टीम इस वक्त मौके पे है, तो कोई लेफ्ट ओवर एक्सप्लोजिव ना हो इसको चेक कर रहे हैं। जो डिमोलिशन वेस्ट था वो सारा लार्जली साइट के अंदर ही है। थोड़ा सा मलबा रोड पे और ATS की वॉल की तरफ गया है। बाकी जो लार्जर डिटेल्स हैं साइट पे चेक हो रहे हैं। डस्ट क्लाउड जैसा हम सभी लोगों ने देखा इमीडिएटली डिसिपिएट हो गया था। हमारी सारी मशीनरी, स्मोक गन, स्वीपिंग मशीन, वाटर टैंकर साइट पे ऑपरेशनल हो गई हैं। विद इन हाफ एन आवर जो अंदर का जोन है, जो बैरिकेड किया गया था, जैसे ही अंदर से क्लियरेंस आएगी अंदर की साइट में भी क्लिनजिंग का काम शुरू हो जाएगा। तो लार्जली ऑल इज ओके। बाकी जो डिटेल्स है दे विल बी क्लियर मोर आफ्टर 1 घंटे बाद। जो लोग रह रहे हैं उनको देखिए इसके बाद एक तो क्लीनिंग कराई जाएगी, दूसरा जो गैस की सप्लाई है वो रिस्टोर कराई जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रिस्टोर कराया जाएगा। 6:30 के बाद जो दोनों बिल्डिंग्स हैं उनके रेजिडेंट्स को अंदर आने की परमिशन, दैट हैज ऑलरेडी बीन कम्युनिकेटेड। तो जो ट्वीन टावर ध्वस्त करवामां आव्या छे तेने लईने एक मीडिया ब्रीफ आपवामां आवी रह्युं हतुं। आप जोई रह्या छो कि आ ट्वीन टावर नी आसपास पण घणा बधा रेसिडेंशियल एरिया आवेला छे, मकानो आवेला छे, जेने पण अहीं ढांकी देवामां आव्या हता। कारण के जे प्रकारे काटमाळ एकत्र थवानो हतो, जे प्रकारे अहीं प्रदूषण फैलावानुं हतुं, आसपासना जे टावरो छे तेमां पण तेनी असर वर्तावानी हती। आसपासना टावरोमां जे रहेता लोको छे तेने सांजे 6:30 पछी पोताना घरमां एंट्री अपाशे। की वॉल के साथ गिरा है तो वहाँ पर लास्ट मिनट चेकआउट किए जा रहे हैं कि कहीं कोई एक्सप्लोजिव जो है वो अब भी मलबे के नीचे तो नहीं दबा हुआ है। मतलब जगह को पूरी तरह सिक्योर करने के बाद ही आसपास के रेजिडेंट्स को यहाँ पर आने की इजाजत दी जाएगी। और इस वक्त नोएडा अथॉरिटी की CO, पुलिस कमिश्नर और जो नोएडा के DM है वो भी, जो कंट्रोल रूम हमारे सामने था उससे रवाना हो रहे हैं। वो भी अब ब्लास्ट साइट तक जा रहे हैं जहाँ पर 6 एक्सपर्ट्स की टीम इस वक्त मौजूद है। कैमरा पर्सन से कहूँगी दिखाए वो पैन करके। पार्क में अब लोग टहलने लगे हैं क्योंकि लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब सब कुछ ठीक है। कुछ लोग फोटो कैप्चर करना चाहते हैं, हालांकि पास जाने की इजाजत किसी को नहीं है। ये लोग जो दीवार बांध कर जा रहे हैं ये भी गलत है, ये भी इनको रोका जाना चाहिए। हालांकि साइट पर अभी ये चेकिंग चल रही है कि मलबे के अंदर कुछ और एक्सप्लोजिव तो बाकी नहीं रह गया है। एक्सपर्ट टीम उसको देखिए भगा दिया गया है। ये लोग देखिए जो दीवार बांध करके आए थे, अब वापस किसी ने इनको भगाया है, ये वापस दीवार कूद के जा रहे हैं। सही है, मुनासिब है, इस वक्त वहां पर जाना सेफ नहीं है। और
वो एक्सपर्ट की टीम वहां पर पूरे मलबे की जांच कर रही है और चेक कर रही है, उसके बाद जब इसको सेफ डिक्लेयर किया जाएगा। एक मीटिंग होगी नोएडा अथॉरिटी की सीईओ, पुलिस कमिश्नर और डीएम वो भी पहुंच रहे हैं एक्सपर्ट टीम के साथ, तो वहां पर पूरा एनालिसिस होगा, एक मीटिंग होगी और उसके बाद इसकी जो संपूर्ण जानकारी है वो मीडिया को दी जाएगी। और साथ ही जब तक पूरे इलाके को सेफ डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता एक्सप्लोजिव से, उसके बाद ही लोगों को आने की इजाजत होगी। तो एक अंदाजन समय बताया जा रहा है कि शाम के 6:30 बजे के बाद मुमकिन है जो आसपास की सोसाइटीज से लोगों को शिफ्ट किया गया है उनको आने की इजाजत दे दी जाए। हमारी सहयोगी नीलू भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, ओवर टू यू नीलू। प्लान किया गया था वैसा एक्सप्लोजन हुआ है, लेकिन आप देखिए ये भी कहा जा रहा है कि रिस्टोर कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को रिस्टोर कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें जो गैस पाइपलाइन से उन्हें बंद कर दिया गया था, उन्हें रिस्टोर कर दिया जाएगा शाम 6:30 बजे, क्योंकि अभी जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, तमाम अधिकारी जो हैं, वो फिलहाल मौके पर ही मौजूद हैं जहां पर एक्सप्लोजन हुआ है। वहां पर बकायदा चेक किया जा रहा है कि कोई छोटा मोटा एक्सप्लोजन वहां पर है तो नहीं, और जो बिल्डिंग इनकी नींव जो है कितनी मजबूत फिलहाल है, क्योंकि सेफ है लोगों के लिए कि नहीं है। क्योंकि देखिए अभी तक तो तस्वीरों में भी आधिकारिक तौर पर ये पुष्टि हुई है कि सेफली एक्सप्लोजन हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोगों में ये राहत जरूर है। हालांकि सिर्फ और सिर्फ सेहत को लेकर यहाँ पर सवाल बरकरार है, क्योंकि धुएं का कण या धूल का कण जो है फिलहाल हम महसूस कर पा रहे हैं अभी भी। लेकिन हाँ, एक्सप्लोजन महज 7 सेकंड में हुआ, मलबा फिलहाल सड़कों पर है ये जानकारी दी गई है। ATS जो विलेज है उसकी दीवारों पर थोड़ा जो है मलबा वो है, उसे बताया देखिए, क्योंकि वहां पर वाटर सप्लाई या यू कहे जो एंटी गन्स है उनका इस्तेमाल करके जो है जरूर जो है लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी। लेकिन हाँ, 6:30 बजे का टाइम दिया गया है, 6:30 बजे जितने भी बाशिंदे हैं वो अपने घरों पर लौट सकते हैं ये भी कहा गया है। तो देखिए आप सेफ हैं ये बकायदा अथॉरिटी की तरफ से कह दिया गया है। हालांकि लास्ट मिनट लगातार चेकिंग की जाएगी और उसके बाद ही जो तमाम लोग हैं ATS विलेज हो या सुपर टेक एनवायर कोर्ट के जो लोग हैं जिन्हें जिनको खाली करवाने के लिए कहा गया था, अब वो शाम 6:30 बजे अपने घरों को लौट सकते हैं। हालांकि देखिए धुएं का गुबार अब भी चारों तरफ आपको हवा में महसूस जरूर होगा, लेकिन देखिए जैसे जैसे हवा तेज हो रही है वैसे वैसे ये धूल का गुबार जो है या धूल जो है वो छकती हुई नजर आ रही है। और जो एक्सप्लोजन या इम्प्लोजन की हम लगातार बात कर रहे हैं, जो नुकसान की आशंका जताई जा रही थी, सेफली इम्प्लोजन हुआ है या अथॉरिटीज के तौर से बकायदा कहा गया है। और जो प्लानिंग की गई थी, देखिए प्रिसाइजली प्लानिंग की गई थी और वैसा ही हुआ। देखिए हमने आपको 360 डिग्री एंगल से दिखाया था, जब धूल का गुब्बार उड़ा था कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ सफेद सफेद, ठीक है। और अब देखिए अब जो है ये धुआं छट चुका। तो किशोर और मोनिका आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, सबसे नजदीक अगर कोई था तो वो न्यूज 18 इंडिया। मेरे पीछे आप ये तस्वीर देख रहे हैं, तो आप जो ये त्रण अलग अलग तस्वीरों जे प्रकार ट्वीन टावर जे धाराशायी करवामां आव्या हता ने ते समय जे माहौल सर्जायो हतो, आसपास मात्र ने मात्र धुमाड़ो देखाई रह्यो हतो काठमांडनो, कारण के मोटा प्रमाण में ही ध्वनि प्रदूषण पण थयुं हतुं। जो कि धीमे धीमे ते ओछू थतुं जई रह्युं छे अने हवे थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी जे छे ते आवी रही छे, जो कि हजु पण क्लियरिटी साथे आ विजन नथी देखाई रह्युं, कारण के जे ट्वीन टावर हता ते 30 माळना हता अने खूब ज गगनचुंबी इमारत कही शकाय तेने ते प्रकारे खूब ज मोटा विशाळ हता। जे प्रकारे आ विस्फोट करवामां आव्यो हतो ત્યારબાદ થોડા સમય માટે લોકોમાં પણ એક ગભરાટ ચોક્કસી હતો, કારણ કે અનેક આશંકાઓ હતી, જો કે તંત્ર તરફથી તમામ તકેદારી ચોક્કસી રાખવામાં આવી હતી કે જ્યારે આ ટ્વીન ટાવરને ધરાશાયી કરવામાં આવે ત્યારબાદ જે આસપાસના વિસ્તારો છે કે પછી આસપાસના જે ઘરો છે તેમાં પણ કોઈ પણ જાતનું નુકસાન ન પહોંચે। અને સમાચારો જોઈએ, સમાચારો ચૂંટણી પહેલા પ્રજાના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવવા સરકાર તત્પર હોવાના, સમાજ કે વર્ગને સ્પર્શતી સમસ્યાઓનું નિવારણ લાવવા સરકાર પ્રયત્નશીલ છે, ખેડૂતો અને કર્મચારીઓનું પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવવા તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે, રાજ્યની સરકાર દ્વારા પ્રજાના વિવિધ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવવા માટે સરકારે કમિટીની રચના કરી છે, જેમાં જીતુ વાઘાણી, ઋષિકેશ પટેલ, કનુ દેસાઈ, બ્રજેશ મિર્ઝા, હર્ષ સંઘવીનો કમિટીમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે। તો કમિટીમાં મુકાયેલા મંત્રીઓ પ્રજાના વિવિધ પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવશે। સીએમની ફાઇનલ મંજૂરી લીધા બાદ મંત્રીઓ વિવિધ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવશે।
અને હવે વાત કચ્છીબારુઓ ને પીએમ ની ભેટ ની। प्रधानमंत्री मोदी ए कच्छ यूनिवर्सिटी खाते प्रजा ने संबोधी। प्रधानमंत्री ए तेमना संबोधन में स्मृतिवन विषे बात करी। भुजियो डूंगर स्मृतिवन मेमोरियल अने अंजार में वीर बाड़क स्मारक नु लोकार्पण कच्छनी गुजरातनी आखा देशनी वेदनानु प्रतीक छे। कच्छे मात्र पोतानो ज नहीं परंतु समग्र राज्य ने विकास की गति आपी छे तेवुं पण संबोधन दरमियान जणाव्युं। तो प्रधानमंत्री मोदी गुजरात की बे दिवसीय मुलाकाते हता अने तेमाय आजनो दिवस खूब महत्वनो हतो कारण के आजना दिवसे कच्छ यूनिवर्सिटी खाते प्रधानमंत्री मोदी संबोधन दरमियान जे कच्छ ने विविध भेट जे छे ते अर्पण करवामां आवी छे ते विषे पण वात करी। जाणे के कच्छनी आखी ए कायाकल्प करवामां आवी छे। साथे ज जे प्रकारे 2001 मां भूकंपनी परिस्थितिमांथी कच्छ बहार आवी अने तेणे प्रगतिना पंथ माण्या ते माटेनी पण तेओ विस्तारथी वात करी। स्मृतिवन मेमोरियल और अंजार में वीर बालक स्मारक का लोकार्पण कच्छ की गुजरात की पूरे देश की साझी वेदना का प्रतीक है। बहुत भारी मन से इन स्मारकों को उन्हें समर्पित करता हूं। आज कच्छ के विकास से जुड़े 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अन्य प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। कच्छ ने सिर्फ खुद को ऊपर उठाया इतना ही नहीं है लेकिन कच्छ ने पूरे गुजरात को विकास की नई गति दी है। एक दौर था जब गुजरात पर एक के बाद एक संकट आ रहे थे। प्राकृतिक आपदा से गुजरात निपट ही रहा था कि साजिशों का दौर शुरू हो गया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कच्छ मुलाकात दरमियान विविध प्रकल्पों खुला मुक्या साथे ज जन संबोधन पण कर्यु। तेओ सभा में कहूं कि कच्छे समग्र राज्य ने विकास की गति आपी छे अने आज कच्छ में दुनिया सौथी मोटो सीमेंट प्लांट पण छे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात की बे दिवसीय मुलाकाते अने तेमनो आज दिवस अत्यंत महत्वनो। त्यारे भूज में वडाप्रधाननो 3 किलोमीटर नो रोड शो पण योजायो हतो जेमां मोटी संख्या में प्रधानमंत्रीनुं अभिवादन झीलवा माटे लोको उमट्या हता। तो साथे ज परंपरागत नृत्य थी पीएमनुं स्वागत करवामां आव्युं हतुं। वडाप्रधाने लोकोनुं अभिवादन झीलू हतुं अने सवारे भूज में आरटीओ सर्कल थी माधापर सामेना भूजिया किल्लाना सानिध्यमां स्मृतिवननुं लोकार्पण पण करवामां आव्युं। तो पीएम मोदी कच्छ यूनिवर्सिटी ग्राउंड खाते पहुंचा। मुख्यमंत्री पण तेमनी साथे जोवा मळ्या हता। साथे ज प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल पण साथे ज हता। तो राज्यना मुख्य प्रधान भूपेन्द्र पटेल कच्छ यूनिवर्सिटी खाते प्रजाने संबोधी। कच्छ ने नर्मदाना पाणीथी वंचित राखता अर्बन नक्सलवादियों पर प्रहार कर्या। તેઓએ મેધા પાટકર સહિતના નર્મદા વિરોધીઓને અર્બન નક્સલવાદીઓ ગણાવ્યા। એવા કોણ લોકો હતા કે જેમણે 5-5 દાયકા સુધી કચ્છને નર્મદાના પાણીથી વંચિત રાખ્યું હતું, તરસ્યું રાખ્યું હતું, સૂકું બંધ રાખ્યું હતું? આપણે એ બધા બરોબર જાણીએ છીએ કે વિરોધ કરવા વાળા આ અર્બન નક્સલવાદીઓ કોણ હતા। આ એ જ અર્બન નક્સલવાદીઓ છે કે જેમણે નર્મદા યોજનાનો વિરોધ કર્યો, ગુજરાતનો વિરોધ કર્યો, કચ્છનો વિરોધ કર્યો।
આ લોકો પૈકીનું એક નામ છે મેગા પાટકર. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આ લોકો કોઈ પાર્ટી કઈ પાર્ટી સાથે જોડાયેલા છે, કોને તેમણે સાંસદની ચૂંટણી લડવાની ટિકિટ આપી હતી. ગુજરાતમાં લોકોને ભ્રમિત કરી નક્સલવાદ લાવવાની આવા લોકોની ભેરવી હતી, પરંતુ ગુજરાતની શાણી અને સમજૂત તથા કચ્છની ખમીરવંતી પ્રજાએ એમના મનસુબા ફાવવા દીધા નથી અને ફાવવા દેવાના પણ નથી. વિધાનસભા ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે ત્યારે ચૂંટણી પહેલા પ્રજાના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવવા માટે સરકાર તત્પર છે. સમાજ કે પછી વર્ગને સ્પર્શતી સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવવા માટે સરકાર પ્રયત્નશીલ છે, જેમાં ખેડૂતો અને કર્મચારીઓના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવવા માટે સરકાર દ્વારા તૈયારીઓ પણ કરી લેવામાં આવી છે. પ્રજાના વિવિધ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવવા માટે સરકારે કમિટીની રચના કરી છે, જેમાં જીતુ વાઘાણી, ઋષિકેશ પટેલ, કનુ દેસાઈ, બ્રજેશ મિર્જા, હર્ષ સંઘવીનો સમાવેશ થાય છે. કમિટીમાં મુકાયેલા મંત્રીઓ પ્રજાના વિવિધ પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવશે. ત્યારબાદ સીએમની ફાઇનલ મંજૂરી લીધા બાદ મંત્રીઓ વિવિધ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરશે. વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા તમામે તમામ પ્રજાના પ્રશ્નો જે છે તેનું નિરાકરણ લાવી દેવામાં આવે તે પણ સત્વરે, તે માટે સરકારે કમિટીની રચના કરી છે. આ કમિટી દ્વારા પ્રજાના પ્રશ્નો હશે, ખેડૂતોના પ્રશ્નો હશે કે પછી કર્મચારીઓના પ્રશ્નો, તે તમામ કમિટી સમક્ષ મૂકવામાં આવશે. ત્યારબાદ કમિટી તેને લઈને વિચાર વિમર્શ કરશે અને તેનું સોલ્યુશન લાવવાનો પ્રયત્ન કરશે. ત્યારબાદ જે રિપોર્ટ તૈયાર થશે અને જે નિરાકરણ લાવવામાં આવશે તે મુખ્યમંત્રી સમક્ષ રજૂ કરાશે અને ત્યારબાદ મુખ્યમંત્રીની પરવાનગી બાદ જે નિરાકરણ લાવવામાં આવ્યું હશે તે મુકાશે. એક તરફ જ્યાં વિધાનસભાની ચૂંટણી નજીક છે ત્યાં આ પ્રકારનો નિર્ણય સરકાર માટે પણ ખૂબ જ મહત્વનો છે, જ્યાં લોકોના પ્રશ્નો મુદ્દે સરકાર કેટલી ગંભીર છે અને સરકારને પણ આ પ્રશ્નો કેટલા સ્પર્શે છે તે બતાવવાનું એક કારણ પણ મળશે. ત્યારે હાલ તો એક કમિટી રચના કરવામાં આવી છે અને આ કમિટીમાં કેટલાક મંત્રીઓ જે છે તેઓને રાખવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી એક હશે જીતુ વાઘાણી, ઋષિકેશ પટેલ, કનુ દેસાઈ, બ્રજેશ મિર્જા, હર્ષ સંઘવી કે જેઓનો કમિટીમાં સમાવેશ કરાયો છે. કમિટીમાં મુકાયેલા મંત્રીઓ પ્રજાના વિવિધ પ્રશ્નોના ઉકેલ લાવશે. જોકે ત્યારબાદ સીએમની એક ફાઇનલ મંજૂરી લેવામાં આવશે અને ત્યારબાદ મંત્રીઓ વિવિધ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવશે. એક તરફ જ્યાં વર્ષાંત સુધીમાં ચૂંટણી યોજાઈ શકે છે ત્યારે તે પહેલાં સરકાર દ્વારા આ કમિટી રચી પ્રજા સુધી પણ એ સંદેશ પહોંચાડવાની કોશિશ કરી છે કે સરકાર જે છે તે પ્રજાના પ્રશ્નોનું જલ્દી જ નિરાકરણ લાવે તે માટે ખૂબ જ ગંભીર છે. ચૂંટણી પહેલાં જ પ્રજાના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવવા માટે સરકાર તત્પર હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, કારણ કે આ અંગે નિર્ણય લેવાઈ ગયો છે, જેમાં કોઈપણ સમાજ કે પછી કોઈપણ વર્ગને સ્પર્શતી સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવવા માટે પ્રયત્ન કરવામાં આવશે. મની કંટ્રોલ પર ઓગસ્ટ એ નાણાકીય સ્વતંત્રતાનો મહિનો છે. અમારી ફાઇનાન્શિયલ ફ્રીડમ ઓફર હેઠળ તમે તમારી પાર્ટનર બ્રાન્ડ તરફથી રૂપિયા 1500ની આકર્ષક ઓફર્સનો દાવો કરીને વિના મૂલ્યે મની કંટ્રોલ પ્રો સબસ્ક્રિપ્શન મેળવી શકો છો. હવે ફક્ત મની કંટ્રોલ એપ્લિકેશન અથવા વેબસાઇટ પર જ લાભ મેળવો. મની કંટ્રોલ પ્રોની ફાઇનાન્શિયલ ફ્રીડમ ઓફરનો આ સમય છે. મની કંટ્રોલ પ્રો દરરોજ માત્ર રૂપિયા 1માં મેળવો અને અમારી ભાગીદાર બ્રાન્ડ્સ તરફથી રૂપિયા 1500ના મૂલ્યના વાઉચર્સ મેળવો. આ ઓફરનો હમણાં જ દાવો કરો ફક્ત મની કંટ્રોલ એપ્લિકેશન અથવા તો વેબસાઇટ પર. તો ફરીથી સમય આવી ગયો છે મની કંટ્રોલ પ્રોની ફાઇનાન્શિયલ ફ્રીડમ ઓફરનો, કે જે વધારાના લાભ સાથે ફરી આવી ગઈ છે. અમારી ભાગીદાર બ્રાન્ડ્સ તરફથી રૂપિયા 1500ની આકર્ષક ઓફર્સનો દાવો કરીને નેટ ઝીરો કોસ્ટ પર મની કંટ્રોલ પ્રો સબસ્ક્રિપ્શન મેળવો. હવે ફક્ત મની કંટ્રોલ એપ્લિકેશન અથવા વેબસાઇટ પર જ લાભ મેળવો. ગાંધીનગર નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટીમાં પ્રથમ પદવીદાન સમારંભ યોજાયો. ગૃહમંત્રી અમિત શાહના હસ્તે વિદ્યાર્થીઓને ડિગ્રી એનાયત કરવામાં આવી. દીક્ષાંત સમારંભમાં 1132 વિદ્યાર્થીઓને ડિગ્રી એનાયત કરવામાં આવી. NFSU માં 21 દેશોથી આવેલા 51 વિદેશી વિદ્યાર્થી અલગ અલગ ક્ષેત્રે અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. એક દશકામાં યુનિવર્સિટી વિશ્વમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરશે. ભારત સરકારના નેતૃત્વમાં 3 પરિવર્તન કરવા જઈ રહી છે તેનો ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કાર્યક્રમમાં ઉલ્લેખ કર્યો. તો આવનારા દિવસોમાં ભારત સરકાર IPC અને CRPC ના કાયદાઓમાં બદલાવ લાવવા જઈ રહી છે. ફોરેન્સિક સાયન્સ કી લેબોરેટરી સે લેકર નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટી કી જો યાત્રા હૈ
ईश्वर की कृपा से मैं कंटिन्यूअसली इसके साथ जुड़ा रहा हूँ और जिस प्रकार से इसकी यात्रा तेज गति के साथ हुई है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मित्रों, अनुसंधान के क्षेत्र में आज जो नई शुरुआत करने जा रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड के अंदर, ये तीनों सेंटर के माध्यम से अनुसंधान के क्षेत्र में भारत फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में अनुसंधान में दुनिया का हब बनेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है और इस दिशा में हम दुनिया में सबसे आगे रहेंगे। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट तीनों में आमूलचूर परिवर्तन करने जा रही, क्योंकि ये कानूनों को आजादी के बाद किसी ने भारतीय नजरिए से नहीं देखा है। ये कानूनों एक स्वतंत्र दृष्टि से फिर से बनाने की जरूरत है, इसलिए हम बहुत लोगों के साथ चर्चा कर 2-2.5 साल से काम चल रहा है। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट तीनों का हम परिवर्तन करने जा रहे हैं और तीनों का परिवर्तन कर रहे हैं, उसमें मैं आपके काम का एक चीज बताना चाहता हूं, एडवांस में ही बता देना चाहता हूं। इसके अंदर हम कानूनी प्रावधान करने वाले हैं कि 6 साल से ज्यादा सजा जिस गुना में, सभी में फॉरेंसिक विजिट को, फॉरेंसिक एविडेंस को कंपलसरी और कानूनी कर दिया जाएगा। पाटीदार अनामत आंदोलन ने 7 वर्ष पूर्ण थता सूरत में तिरंगा पदयात्रा नु आयोजन करायो, जेमा मोटी संख्या में पाटीदार आगेवानों की साथे स्थानिको उपस्थित रहा हता। पदयात्रा में भाजप, कांग्रेस अने आप त्रणे पक्षना कार्यकर्ता, धारासभ्यो अने कॉर्पोरेटर सहित हजारों लोग हाजर रहा। आंदोलन शहीदों ने श्रद्धांजलि आपवा आजादी का अमृत महोत्सव जेवा मुद्दा अंतर्गत आ पदयात्रा नु आयोजन करायो। अनिच्छनीय बनाव न बने ते माटे पुलिस द्वारा चुस्त पुलिस बंदोबस्त पण गोठवायो हतो। सूरतना किरण चौक थी निकली वराछा में सरदार चौक सुधी पदयात्रा योजाई हती। अनामत आंदोलन ने 7 वर्ष पूरा थया छे, त्यारे आंदोलन दरमियान जे लोको शहीद थया था तेमने श्रद्धांजलि आपवा माटे सूरतना योगी चौक विस्तारमांथी तिरंगा यात्रा निकली छे। आंदोलनना आगेवानो धार्मिक सालारिया छे, सीधा धार्मिक सालेवाथी धार्मिक સુકેશો રેલીને લઈને આજે તિરંગા યાત્રા સમગ્ર દેશની અંદર આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ તરીકે 75 વર્ષની ઉજવણી થઈ રહી છે, ત્યારે એના ભાગરૂપે અને ખાસ પાછળ 7 વર્ષથી પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિ દ્વારા 25 ઓગસ્ટ પાટીદાર ક્રાંતિ દિવસ અને 26 ઓગસ્ટ પાટીદાર શહીદ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે, તેના ત્રિવિધ કાર્યક્રમના ભાગરૂપે આજે તિરંગા પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ધાર્મિક જોતજોતામાં 7 વર્ષ થઈ ગયા, જે આંદોલનમાં જોડાયા હતા મૃત્યુભાઈને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે। ચોક્કસપણે 2015ના આંદોલન દરમિયાન જે શહીદ પરિવારો છે એનું અમને ખૂબ ખેદ છે, દુઃખ છે। આજે અમને 7 વર્ષ જેટલો સમય વીતી ચૂક્યો, પરંતુ હજી અમના પરિવારને ન્યાય નથી મળ્યો, એ અમારા માટે ખૂબ મોટી દુઃખની બાબત છે। બિલકુલ અલ્પેશ કથેરી આપણી સાથે છે, આપણે સીધે એમની સાથે વાત કરીએ। અલ્પેશ, 7 વર્ષ પૂર્ણ થયા, શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ જોડે તિરંગા યાત્રા, તિરંગા યાત્રા છે પણ શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ પણ છે, સાથોસાથ આઝાદીના જે 75 વર્ષની ઉજવણી થઈ રહી છે એનો દરેકનો ત્રિવેણી સંગમ કરીને 3 મુદ્દા સાથેની તિરંગા યાત્રા। કેટલા લોકો જોડાશે તિરંગા યાત્રામાં? મોટે ભાગે યુવાનો છે, હજારો લોકો જોડાશે, કેમ કે 6.5 કિલોમીટરથી પણ વધારેની પદયાત્રા છે, જે લોકો ચાલી શકે એમ છે લોકો પદયાત્રાથી જોડાય છે, બાકી લોકો વાહનોથી જોડાય છે। પાટીદાર યુવાનો દ્વારા આઝાદીના 75 વર્ષ એટલે કે અમૃત મહોત્સવ, શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ સાથે જે પ્રકારે ત્રિવેણી સંગમ કરીને આ યાત્રા કાઢવામાં આવી છે, ચોક્કસ આ યાત્રાને લઈને લોકો અને ખાસ કરીને યુવાનો મોટી સંખ્યામાં આ રેલીમાં જોડાયા છે। કેમેરામેન અક્ષય વાડેર સાથે કિર્તીશ પટેલ, News18 ગુજરાતી, સુરત। આ તિરંગા યાત્રાની રેલી છે અને તિરંગા યાત્રાની રેલીમાં જે અલ્પેશભાઈ કથિરિયા છે, દેશભક્તિ માટેની જે યાત્રા છે એમાં અમે બધા જોડાવા છીએ અને દરેક લોકોએ તિરંગા યાત્રામાં જોડાવવું જોઈએ।